बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर एकदस पर ज़रबत लगाई तो शहादत से कुछ लम्हे पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने बतौर वसीयत इरशाद फरमाया, तुम लोगों से मेरी वसीयत है कि किसी को अल्लाह का शरीक न बनाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़ायो बर्बाद ना करना, इन दोनों सतूनों को कायम किए रहना और इन दोनों चरागों को रोशन रखना, बस फिर बुराइयों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मैं कल तुम्हारा साथी था और आज तुम्हारे लिए इबरत हूँ और कल को तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे अपने खून का इख्तियार होगा और अगर मर जाऊँ तो मौत मेरी वादा गाह है। अगर माफ़ कर दूँ तो ये मेरे लिए रज़ाए इलाही का बायस है और वो तुम्हारे लिए भी नेकी होगी। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? खुदा की कसम, ये मौत का नागहानी हादसा ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद जानता हूँ और ना ये ऐसा सानिया है कि मैं इसे बुरा जानता हूँ। मेरी मिसाल बस उस शख्स की सी है जो रात भर पानी की तलाश में चले और सुबह होते ही चश्मा पर पहुँच जाए और उसे ढूंढने वाले की माने दूँ जो मकसद की पा ले और जो अल्लाह के यहाँ आए वही नेकोकारों के लिए बेहतर है।